नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में आपके 21 विधायकों पर खतरे की तलवार, चुनाव आयोग अगले महीने करेगा मामले पर सुनवाई। भड़की आपका, केंद्र पर हमला, कहा दिल्ली की हार नहीं बचा पाए पीएम मोदी। बीजेपी का पलटवार, राष्ट्रपति कार्यालय पर सवाल ना उठाएं केजरीवाल। दिल्ली के परिवहन मंत्री रहे गोपाल राय पर कसा शिकंजा, बस घोटाले में घिरे गोपाल, एसीबी के सामने हुए पेश, निष्पक्ष जांच के लिए दिया पद से इस्तीफा, सत्येंद्र जैन को सौंपा गया जिम्मा। कैराना मुद्दे पर बयान से पलटे बीजेपी सांसद हुकुम सिंह, कहा पलायन की वजह सांप्रदायिक नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर हमला, कहा बेवजह मीडिया में उछाला गया मुद्दा। ट्विटर पर डियर बोलने पर बिहार के शिक्षा मंत्री पर भड़की स्मृति ईरानी, कहा महिलाओं को डियर कहकर कब से संबोधित करने लगे अशोक जी। यूपी चुनाव से पहले बड़े फेरबदल की तैयारी में कांग्रेस, प्रभारी के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष पर मंथर, जितिन प्रसाद, प्रमोद तिवारी और शीला दीक्षित रेस में आगे। आतंकी संगठन आईएसआईएस के चीफ अबू बकर अल बगदादी की मौत की खबर, अरबी न्यूज एजेंसी अलमाक ने किया दावा, खबर की पुष्टि नहीं। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली में संसदीय सचिव पर जारी संग्राम के साथ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के उस बिल को मंजूरी देने से मना कर दिया है जिसमें आपके 21 विधायकों के संसदीय सचिव के पद को लाख के पद से अलग करने का प्रस्ताव था, जिसके बाद अब आपके इन विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटक रही है। अब चुनाव आयोग अगले महीने इस मामले पर सुनवाई करेगा, इसके बाद ही राष्ट्रपति के पास अंतिम सिफारिश भेजी जाएगी। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। नाराज केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या मोदी जी दिल्ली सरकार को काम इसीलिए नहीं करने दे रहे क्योंकि दिल्ली में मिली हार वे अब तक नहीं बचा पाए। केजरीवाल ने कहा कि कई राज्यों में एक से ज्यादा संसदीय सचिव हैं, तो आप दिल्ली के संसदीय सचिवों की ही सदस्यता क्यों रद्द करवा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने आप पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल हताश हो गए हैं क्योंकि उनकी उड़ान भरती आकांक्षा ध्वस्त हो गई है, उन्हें राष्ट्रपति के फैसले को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और बढ़ते हैं अगली खबर पर। दिल्ली सरकार को डबल झटका लगा है। दिल्ली में परिवहन मंत्री रहे गोपाल राय बस घोटाले में घिर गए हैं। आज इस मामले में वो एसीबी के सामने पेश हुए। इन सबके बीच गोपाल राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह सत्येंद्र जैन को परिवहन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। गोपाल राय का जाना पहले से ही तय था। बताया जा रहा है कि गोपाल राय ने खुद ही स्वास्थ्य कारणों से परिवहन मंत्रालय छोड़ने की पेशकश मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने की थी, लेकिन सूत्रों की माने तो प्रीमियम बस घोटाले के चलते उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। ऐसे कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ परिवहन विभाग ही छोड़ा है। हालांकि आज एसीबी के सामने पेश होने के बाद राय ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और अब खबर यूपी से, जहां कैराना में हिंदुओं के पलायन का दावा करने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह अपने बयान से थोड़े पलटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि ये पूरा मामला सांप्रदायिक नहीं बल्कि अपराधियों से जुड़ा हुआ है। हुकुम सिंह ने कहा कि जानबूझकर इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, कैराना में हिंदू मुस्लिम समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता का नतीजा है। पलायन करने वाले लोगों की लिस्ट पर सिंह ने माना कि उनकी लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है और अगर ये सच साबित होता है तो उन्हें माफी मांगने से भी परहेज नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। मायावती ने कहा कि बीजेपी ने चुनावी फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को मीडिया में उछाला है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के बीच ट्विटर पर डियर शब्द के इस्तेमाल को लेकर तीखी बहस हुई। चौधरी ने ट्विटर पर स्मृति ईरानी से सवाल पूछा था कि डियर स्मृति ईरानी जी, हमें नई एजुकेशन पॉलिसी कब मिलेगी। स्मृति ईरानी ने अशोक चौधरी के इस ट्वीट पर सवाल उठाया और कहा कि महिलाओं को डियर कहकर कब से संबोधित करने लगे अशोक जी। इस पर अशोक चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अपमान नहीं सम्मान के तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल किया और प्रोफेशनल बातचीत की शुरुआत डियर शब्द से ही होती है। उन्होंने कहा कि स्मृति जी, मुद्दे को गोलमोल घुमाने से अच्छा है कभी कभी सही जवाब भी दे दिया कीजिए। हालांकि ट्विटर वार के बाद अब चौधरी ने माफी मांग ली है। और अब अगली खबर यूपी से, जहां विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार बदलाव करने में जुटी है। गुलाम नबी आजाद को प्रभारी बनाए जाने के बाद अब बारी है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस किसी ब्राह्मण नेता को ही अध्यक्ष चुन सकती है। अध्यक्ष पद के लिए तीन नामों पर चर्चा जोरों पर है और इन नामों में जितिन प्रसाद, प्रमोद तिवारी, शीला दीक्षित रेस में आ गए हैं। इस मसले पर कांग्रेस आला कमान बहुत जल्द फैसला लेंगी।
माना जा रहा है कि चुनाव की कमान संभाले प्रशांत किशोर ने। कांग्रेस आला कमान को जीत का ये मूल मंत्र दिया है, जिसके बाद से ही कांग्रेस में उठापटक का दौर जारी है। और अब अगली खबर दुनिया के आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ी खबर है कि आईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी मारा गया है। आईएस की अरेबिक न्यूज एजेंसी अल अमाक ने दावा किया है कि रक्का में रमजान के पांचवें दिन बगदादी की मौत हो गई। यहां अमेरिका के नेतृत्व में सेना ने लगातार दो दिन हवाई बमबारी की थी, जिसमें बगदादी मारा गया। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इससे पहले भी बगदादी की तीन बार मारे जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन बगदादी जिंदा था। ऐसे में जब तक खबर की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।